भाई मगर हम तो लड़की वाले हैं ना। बस कर दो हीरा, निकल आओ ये पुरानी सोच से। लड़की वाला होना क्या जुर्म है, गुनाह है कोई? कब तक इस गिल्ट में रहेंगे हम लोग? और क्या चाहते हो आप लोग? हाँ क्या करूं, अशर साहब के पास जाऊं, हाथ जोड़ूं, पांव पोड़ूं उनके के खुदा का वास्ते मेरी बहन को वापस ले जाएं? मैंने ऐसा तो हरगिज नहीं कहा आपसे। जो भी कहा है, गए थे ना दोनों आज वहां पे, हो गई इज्जत अफजाई या कोई कमी बाकी है? क्या मिला जाकर? ना गुस्सा क्यों कर रहे हो? जो कुछ भी है तुम्हारी बहन की जिंदगी का मामला है, ठंडे दिमाग से सोचो। ठंडे दिमाग से उसको बुलाया था मिलने, शादी की गारंटी देकर आया था, यहाँ पे इनवाइट किया था उसको, अपनी बहन की खुशी के लिए किया था ये सब। सजल, तुम ही अपनी तरफ से अशर को फोन करके पूछ लो कि वो भाई के बुलाने पे खाने पे क्यों नहीं आए, कुछ तो पता चलेगा ना। फोन करो। मैं फोन करके क्या पूछूं? हाँ सही है ना, सजल को तो वजह बता देगा ना वो। खबरदार किसी ने फोन को हाथ भी लगाया, अब से हम कोई फोन नहीं करेंगे, कॉल नहीं करेंगे, और उधर जाने की गलती तो हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। कौन लोग हैं ये? इनका दिमाग ठीक भी है? एक फजूल सी बात को लेके हमारा दिमाग खराब करके रखा हुआ है, जिंदगी अजाब करके रखी है इन लोगों ने। क्या हम इनकी मिन्नत समाजत करते रहेंगे बस? आज नहीं तो कल भाई हमें ये करना पड़ेगा। खुदा ना ख्वासा सजल इस घर में हमेशा के लिए तो नहीं बैठ सकती ना। ये सज्जल का घर है, आज से हमें से कोई उनसे राब्ता नहीं करेगा। मेरी बहन की दो रोटियां मुझ पर इतनी भारी नहीं हुई। अगर सज्जल यहां से जाएगी तो सिर्फ उसी सूरत में जब वो लोग खुद यहां पर आएंगे और इज्जत से मेरी बहन को लेकर जाएंगे। ये मेरा आखिरी फैसला है। अमाद, सचल सचल ऐसे नहीं रोते सचल, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा नहीं रोते, अच्छा